नमस्कार, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन में। तो आज की जो हिंदी की क्लास है उसमें जो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा सर्वनाम और उसके भेद। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नए टॉपिक के साथ, सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके सर्वनाम। यानी कि जैसे संज्ञा में जैसे हम क्या करते थे, किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी जाति का नाम उच्चारित करते थे। जैसे मान लो मैंने बोला राम जाता है, तो राम जाता है हमारी क्या रहती थी? संज्ञा रहती थी। ठीक है जी, राम जाता है। अब सर्वनाम में मैं क्या करूंगी? सर्वनाम में मैं संज्ञा के स्थान पर कोई अन्य शब्द प्रयुक्त करूंगी, जैसे वह जाता है। तो ये तो आपकी संज्ञा है राम, है ना जी? और वह शब्द आया तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर कर सकते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कौन कौन से शब्द हैं, जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई, एग्जैक्ट्रा, मतलब कि और भी बहुत सारे हैं, कैसा, किसको। तो ये सारे के सारे शब्द किसमें आएंगे? आपके सर्वनाम में। ठीक है जी, बात करते हैं आगे। तो आगे आपका आता है कि सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं पूरे 6 भेद। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 है प्रश्नवाचक और नंबर 5 है स्वनवाचक, और लास्ट जो आता है वो आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद हुए? तो सर्वनाम के टोटल हुए आपके 6 भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, स्वनवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ये हैं सर्वनाम के 6 भेद। तो सबसे पहले भेद की बात करूंगी पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है जी, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक अपने लिए जो शब्द प्रयुक्त करता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, वक्ता या लेखक मींस बोलने वाला या लिखने वाला। तो इस टाइम पे मैं बोल रही हूं, मैं साथ में लिख भी रही हूं यहाँ पे, तो मैं क्या हूं? वक्ता हूं। तो जो शब्द मैं अपने लिए प्रयुक्त करूंगी तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो मैं कौन से शब्द अपने लिए प्रयुक्त करूंगी? मैं, मुझे, मुझको, मुझसा, मुझमें, यही शब्द प्रयुक्त करूंगी ना मैं अपने लिए, तो वो सारे किस में आएंगे? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। वक्ता या लेखक के लिए यही शब्द। आगे है अथवा श्रोता या पाठक के लिए। श्रोता मीन्स जैसे आप लोग सभी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आप क्या हुए? श्रोता या पाठक। तो जो शब्द मैं आप लोगों के लिए प्रयुक्त करूंगी यानी कि श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त करूंगी तो वो सारे के सारे भी किस में आएंगे? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो श्रोता या पाठक के लिए मैं कौन से शब्द प्रयोग करूंगी? तुम्हें, तुझको, तुझसा, तुझमें, यही शब्द प्रयुक्त करूंगी ना, तो वो सारे किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। यहाँ पे दिए भी हैं जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, बे आदि। ठीक है जी, ये सारे शब्द किस में प्रयुक्त होंगे? ये सारे शब्द प्रयुक्त होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे जो है वो 3 भेद जो हैं इसके बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ऊपर यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। तो बात करती हूँ, मेन है, मुख्य है, प्रश्न जरूर आता है, यही यहां से भी पूछ लेते हैं। तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में जो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? वक्ता या लेखक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं किसी भी वाक्य में, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके उत्तम पुरुषवाचक। तो वक्ता या लेखक के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं, हम, मुझे, मुझसा, मुझमें, मुझको, तो ये सारे किस में आएंगे? आपके उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है जी,
दूसरी बात करती हूं मध्यम पुरुषवाचक की, तो मध्यम पुरुषवाचक में ऐसे शब्द जो श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनको कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक। कौन से शब्द? तुम, तुझे, तुझको, तुझसा, तुझमें, ठीक है जी, या तुम्हें, ये सारे मध्यम पुरुषवाचक। तू शब्द जो होता है, तो तू शब्द का मैं आपको ये बता दूं कि तू शब्द का बहुत कम हम प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग करते हैं इसका, यानी कि जैसे आपके उपकल, यानी कि आपके बराबरी का जो आपका मित्र है उसके साथ, या एक आप जैसे किसी के साथ अगर हंसी मजाक कर रहे हैं तो उस टाइम पे। ऐसे जनरली हम किसी के साथ तू जो है वो असभ्य भाषा में काउंट होता है, तो उसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते। अगला है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक मतलब उत्तम या मध्यम के अलावा जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में जब हम बात करते हैं किसी भी वाक्य में, तो जो शब्द हम थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं उसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कौन से शब्द हम प्रयुक्त करते हैं? वह, यह, वे इत्यादि। जैसे वह जा रहा है, मान लो दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो मैं बोलूंगी कि वह जा रहा है, मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है जी। तो वो हुआ आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा करती हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट भेद पे। नेक्स्ट जो सर्वनाम का अगला जो हमारा भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, नाम से पता चल रहा है जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में, यानी कि हमें क्या निश्चय पूर्वक ज्ञान हो, मतलब कि पूरा निश्चित पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, सॉरी कैसे जा रहे हैं उसके बारे में, या फिर कोई जैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब हमें निश्चित पता होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें दो शब्द जो होते हैं वो मुख्य रूप से निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं, कौन कौन से? यह और वह, ठीक है जी। जैसे यह खेत, हाँ यह मेरी पुस्तक है, ठीक है जी। तो मैं यह से रिलेटेड वाक्य बना रही हूँ कि यह मेरी पुस्तक है, तो मुझे उस पुस्तक के बारे में निश्चित ज्ञान है कि यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो नजदीक की वस्तुओं के लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे? यह, ठीक है जी। और दूर की वस्तुओं के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे? वह। जैसे नजदीक में मेरे पास में ये, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पेंसिल मेरे पास है, ये कलम मेरे पास है, तो मैं बोलूंगी कि यह कलम मेरी है, मतलब मेरे पास है, तो इसके लिए मैंने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? यह शब्द। और वह शब्द, वह शब्द मान लो वह खेत, वह घर मेरे सहेली का है, तो यानी कि वो थोड़ा दूर है, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को ये बता रही हूँ कि वो जो घर है वो किसका है? वो मेरी सहेली का है। तो वहां पे दूर के लिए मैं वह शब्द, या वह खेत शर्मा जी का है, तो खेत दूर है, मैं कहीं दूसरी साइड खड़ी होके उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वहां पे मैंने वह, लग गया आपको पता? यानी कि यह शब्द का प्रयोग करेंगे हम जो हमारे समीप है कोई वस्तु और जिसके बारे में हमें निश्चित ज्ञान है उसके लिए, और वह शब्द का प्रयोग करेंगे यानी कि जिस वस्तु के बारे में हमें निश्चित ज्ञान है लेकिन वो वस्तु दूर है थोड़ी, तो उसके लिए वह शब्द प्रयुक्त करेंगे। जैसे यहाँ पे दो आपको उदाहरण दिए हैं, यह जा रहा है, इनकी जो साथ में, हम सभी घूमने जा रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे वह शब्द का प्रयोग नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह शब्द दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगले तीसरे भेद के बारे में बात करेंगे, तो तीसरा जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, जैसे हमने निश्चयवाचक किया, यानी कि निश्चयवाचक में हमने ये किया कि जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें बिल्कुल निश्चित ज्ञान है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें निश्चित ज्ञान नहीं है, नाम से पता चलता है अनिश्चय, मतलब निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है। तो इसमें भी दो मेन शब्द मैं आपको बता रही हूँ कि प्रयुक्त किए जाते हैं, कोई और कुछ, ठीक है जी। तो कोई लगता है आपका संजीव वस्तुओं के लिए, मतलब जिनमें जीवन है, और कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं निर्जीव के लिए, मतलब जिनमें जीवन नहीं है। जैसे उदाहरण दूं मैं कोई का, जैसे यहाँ पे भी दिया है कोई आ रहा है, मतलब संजीव है, आ रहा है, दो यानी कि मेन शब्द जो हम मैक्सिमम प्रयुक्त करते हैं वो बता रही हूँ, और भी शब्द प्रयुक्त करते हैं लेकिन मैक्सिमम हम इन्हीं शब्दों का
क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गा रहा है, मतलब प्राण है उसमें, वो गा रहा है। या संजीव, कुछ कमरे में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काला है, तो वो कुछ शब्द। यहाँ यहाँ पे और भी वाक्य दिए हैं, जैसे किसी का फोन आया था, कोई या किसी से, वहां कौन है, तो कौन भी उन्हीं के साथ जोड़ा गया। तो ये शब्द जो है मतलब संजीव से रिलेटेड या नरजीव से रिलेटेड या जिनके बारे में हमें निश्चित पता नहीं है, वो आपके कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए जी, चौथे भेद की बात करती हूँ सर्वनाम के, स्वंदवाचक सर्वनाम। परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे के मध्य स्वंद बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, स्वंदवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जैसे सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे, यानी कि जो हमारी लोकोक्तियां होती हैं, ये मुहावरे होते हैं, उस टाइप के होते हैं। यानी कि दो अलग अलग बातें आपस में क्या करती हैं, एक गहरा संबंध बनाती हैं अलग अलग बातें। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है जी। ये जैसा वैसा करोगे भरोगे, है ना जी, जो पड़ेगा वही बढ़ेगा, तो पड़ेगा बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, या फिर जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है, अच्छा अच्छा। यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं शब्द, तो उसको कहते हैं स्वंदवाचक सर्वनाम। और मैक्सिमम मैंने आपको ये बता दिया कि मैक्सिमम जो होते हैं वो लोकोक्तियों में यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी कैसी भरनी, है ना जी, करनी भरनी, तो वो आपके सारे के सारे स्वंदवाचक। अगले भेद की बात करती हूँ, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो लगा होता है, ये इसकी पहचान है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जैसे यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछेंगे, क्या, कब, ऐसे पूछेंगे ना, क्या आप क्लोजअप करते हो, एक वाक्य दिया है। स्टडी 99 आपको कैसे लगा, तो ये भी एक वाक्य दिया है। आप कहाँ जा रहे हो, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, वो भी प्रश्नवाचक काउंट होगा। यानी कि जिन वाक्यों के पीछे अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है तो वो सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। लास्ट बात कर रही हूं निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक सर्वनाम जहां स्वयं के लिए, यानी कि जो वाक्य का कर्ता है, किसी भी वाक्य में कोई भी कर्ता, ठीक है जी, कोई भी कर्ता मेन जो आ रहा है, जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है, वो कर्ता होता है, ठीक है जी। तो जहां स्वयं के लिए आप अपना अपने शब्द का प्रयोग होता है, स्वयं मीन्स यहाँ पे स्वयं का अर्थ बताया, जो वाक्य का कर्ता है, यानी कि कोई भी वाक्य जो होता है वो बिना कर्ता के पूर्ण नहीं होता। तो जो वाक्य का कर्ता है उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वाक्य में, कौन कौन से, आप, अपना, अपने आप, निज, स्वतः, ठीक है जी, तो वो सारे के सारे शब्द आते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम में। जैसे यहाँ पे वाक्य का कर्ता, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो वाक्य का कर्ता कौन है, मैं के बारे में बात की गई ना, मैंने अपनी बात की, तो उसके लिए कौन सा शब्द, अपना। वह अपने मामा के घर जा रहा है, अब वाक्य में मेन किसके बारे में बात की जा रही है, वह के लिए, मतलब कोई भी नेम रख लो, ठीक है जी। तो वह कहाँ जा रहा है, अपने, अपने। तो ये आपका क्या हुआ, निज शब्द। या अब आप कंफ्यूज होंगे, तो यानी कि आगे इसमें बताया कि आप जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप शब्द में, क्योंकि आप शब्द जो था वो आपका पुरुषवाचक में भी आ रहा था और आप शब्द जो था वो आपका निजवाचक में भी आ रहा था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यही यहाँ पे बताया गया है कि पुरुषवाचक में आप आता है तो वो कहाँ आता है, वो आता है श्रोता के लिए। यानी कि मैं जैसे मेरे सामने जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे मान लो आप लोग, है ना, तो आप लोगों के लिए मैं वो शब्द प्रयुक्त कर रही हूँ मध्यम पुरुषवाचक, है ना जी, आप, तुम्हें, तुम, तो वो वहां पे प्रयुक्त होता है। और निजवाचक की बात करूं तो निजवाचक में आप किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए भी आप शब्द प्रयुक्त करूंगी, या मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो उसके लिए भी वो सेम शब्द जो है वो वहां पे प्रयुक्त होंगे। यानी कि जो वाक्य का मेन होगा, हेड होगा, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। या फिर जैसे निजवाचक का एक और उदाहरण बताऊं कि आजकल सरकारी विभाग निजी हाथों में जा रहे हैं, हमने किसके बारे में बात की, सरकारी विभाग के बारे में, और सरकारी विभाग कहाँ जा रहे हैं, निजी, मतलब निज शब्द का प्रयोग वाक्य में किया,
वाक्य के मेन कर्ता के लिए, तो कर्ता कौन है, सरकारी विभाग है ना जी। या फिर अब्राहम लिंकन अपना कार्य अपने आप करते थे, तो अब्राहम लिंकन वाक्य के मेन है, कर्ता है, तो वो अपना कार्य कैसे करते थे, अपने आप। तो उनके लिए मैंने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया, अपने आप। ठीक है जी, लगा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। निजवाचक या पुरुषवाचक में दोनों में आप आता है, लेकिन पुरुषवाचक में जो आप है वो श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब मेरे सामने अगर दूसरा पर्सन बैठा है उसके लिए प्रयुक्त करूंगी, और निजवाचक में जो आप है वो शब्द में किसके लिए प्रयुक्त करूंगी, वो शब्द में प्रयुक्त करूंगी जो वाक्य के, जिस वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसके। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और इसके साथ, टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।